पल्ले चार जाए ही कोनी होता। तभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, ये है पुष्कर के अंदर महेश्वरी भवन, काफी बड़ी धर्मशाला है। चलते हैं अब यहाँ से, 1000 रुपए के अंदर एसी वाला बढ़िया कमरा मिल गया था। आज जो गांव पहुंच जाएंगे, अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये टायर की गलती कौन, थारी गलती है? देखो भाई, हमारी गाड़ी का तीसरा टायर है कंटिन्यू, दो तो चेंज करा लिए। रात रात में अपने आप कैसे निकली पता नहीं, जब भी घर से घूमने निकलते हैं ना, तब सारे टायरों के बारी बारी से। तो भाई अब हम लोग खाना खाने के लिए आ गए, ये कैंटीन है इनकी, मुकेश शर्मा जी की। कहाँ से आप? वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगा, खंडेल वाला है ये, स्टाफ है काम करने वाला। ये नाम दारो सिस्टम है ये भाई, रसोई है यहाँ पर, गरम गरम सुबह खाना शुरू हो गया, बनना अभी अभी शुरू हुआ है। अब भाई भूख लगी है जबरदस्त, हम लोग खाना खाएंगे खंडेलवा धर्मशाला में। आज सुबह सुबह खाने की शुरुआत हम लोग ही कर रहे हैं भाई। सरोवर है ठीक है, थोड़ा आगे जाके है सरोवर, पुष्कर सरोवर, बहुत बार आए मैं लेकिन आज समय नहीं है, अदरवाइज स्नान करके आता। हिमाचल इधर घूम के आए थे, मनाली भी उठ गया सर। हाँ हाँ सबसे वो देखा आप कहाँ से? हम शिखर खाटू श्याम से। खाटू श्याम से उनको भी देखा, इसलिए मैंने पहचान गया। और कैसा? और सब ठीक है? हाँ सब ठीक, सब सब। मैंने बहुत देखा आपको, बहुत लाइक करता हूँ। ठीक है, गाँव जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। थोड़ा किलोमीटर वाला कौन सा है? लगभग एक जितने से ही होता, बढ़िया जो रोड होगी उस रोड से जाएंगे। माता जी मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे होंगे, नवरात्र चल रहे हैं। हाँ माता जी के भी हमारे गांव में तो नहीं करते हमेशा से, पर आज के लिए देखने को मिला है विसर्जन वाला, गणपति वाला भी नहीं करते थे पहले इधर, आज है नवरात्रा और दशहरा। घट्टी वाले बालाजी को क्रॉस करते हुए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, सरदार शहर अजमेर रोड में चल रहे हैं हम लोग। ये भाई डेगाना आ गए, हम लोग डेगाना पहुंच गए, से गांव से होते होते जा रहे हैं। वो भी है, भी ठीक है वो भी। हम लोग है अभी छोटी खाटू के अंदर, वही टायर चेंज कराया है जो फट गया था, उस टायर को चेंज कराया है, और आज एक और पंचर हो गया रस्ते के अंदर, उसको भी चेंज तो वैसे एक ही कराया है। क्या नाम धारो? ओम प्रकाश जी की दुकान है, इनसे करवाया है। आपका काफी समय से वीडियो देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो आप, और जिस प्रकार आप भारत की जो संस्कृति है वो घूम घूम के हमें दिखाते हो, जब भी आपको वीडियो देखते है ना बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आज यहाँ आए आप, बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद, मैंने भी बहुत अच्छी लगी। और हमारी समस्या थी टायर वाली, तो टायर चेंज करवाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये है छोटी खाटू, यहाँ पे गोपालपुरा के पास में ही है वो डूंगर बालाजी, यहाँ से होते हुए निकल रहे हैं, उसके एकदम पास से जा रहे। खेतों के अंदर फसल कटाई चल रही है, हम लोग गांव पहुंचने से पहले खेत पहुंच गए, काकड़िया मतीरिया कुछ खाएंगे ले जाएंगे जाते टाइम। तो भाई शाम हो रही, बात कुछ ऐसी है, मोट की तो कटाई हो गई, और आज जो गाड़ी का टायर हम लोगों ने निकाला था ना, वो ये रहा। पावर पर ज्यादा इंडीज है, कौन सी है तेरो? ये गाड़ी का जो टायर निकाला था ना, वो हम लेके आए थे कि खेत में झूला बनाएंगे। मोट की कटाई पूरी हो गई, हाँ लिया बस, मैं सीता पड़ लिया थार भाई, वह बाद में दे दे, आजा बहुत जल्दी पड़े यार। अच्छा गुहार आज ही शुरू करियो नहीं? देखो भाई अब हमारी आसानी होगी, काकड़िया देखने में एकदम खुला खुला दिख जाएंगे। अब जो लगभग हर खेत में ही जो कटाई शुरू हो गई है। देखो पक गई है, छोटी छोटी मतीरियां लाल हो गई अंदर से, देखो बिना पानी के पक गई। ओ गुआ तो मन लगे सर, दो दिन हो गए और उपड़ा थोड़ा थोड़ा उपड़ा भी मैं मोट उपड़ा तो अतर टाइम गुआ दो दिन में काल का हो जी, थोड़ा थोड़ा करके हो जी। तो
अगले साल के लिए बीज है क्या चीज। देखो गंवार की फलियां धीरे धीरे पक रही है, ये सारी पक गई, सूखनी है बस। यस, इसको बोलते हैं हम लोग जेठ। ये तिल है, तिल का तेल निकालेंगे इतने तो नहीं, लेकिन तिल की गुड़ पापड़ी, तिल पापड़ी बना के खाने वाले जरूर हो जाएंगे। तो अभी देखो इतनी सारी मटेरियल, भाई सबसे ज्यादा मेरे वाली अच्छी निकली, अभी ये बताएगी। आ भी जोरदार है, अभी बड़ी है ये। कुर्सी में ठीक ठाक होनी आप खासे जदी मेरे पड़ जी। तो भाई ऐसे मजा आता है, अब खेत में ना बैठ के मटेरियल खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, भूख प्यास दोनों एक साथ मिट जाएगी। आती है फिर भी मीठी लगे, बता कोई जोर की मीठी है। आजा आजा मतेरी खास, आजा आजा बोल सारी, आजा बाज बाज बाज। आगू थोड़ी स्वाद आ बने पछी। आप हमेशा खावा अर्जना ध्यान है नहीं लोगों थे, ध्यान भी कोनी बता नहीं हुए वे कभी जदी खावे। शेर में कोई लावे जन सिपड़ी बना रही बियां खावे, हां बियां खावे जनाब। अब धीरे-धीरे कांटा चोरियों खावे। हां बे आवे ने मटेरियल वाटरमेलन बने, पहला काट सी फिर मंग या काट के अबे प्लेट मंगा ले सी, एक मटेरियल कोई 10 एक प्लेट मंगा ले सी। हो सकता है आपको लग रहा होगा ऐसे खाने का कोई तरीका थोड़ी है, पर तरीका यही है खाने का। गांव में तो यही तरीका है। ये सिर्फ गाय भैंस के काम की है, अब बेल जल गई, टाइम पर हम लोग पहुंचे नहीं। अब जानते हैं निकाच रहे हैं उन्होंने सब्जी, प्लीज ये काचर की सब्जी नहीं बनाते भैया, मेरे लिए स्पेशल काचरे की सब्जी बनानी है जिसमें थोड़ा सा मीठा भी डलता है, क्योंकि काचरे हल्के से खट्टे भी होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, पर इतने से लेके आ गए हम लोग। अरे अरे अभी है ना ये मोट उपाड़ लिए तो खेत पूरा खाली खाली हो गया, तो घूमने में आसानी हो रही है, एकदम आसानी हो। पहले ऐसे बचा बचा के चलना पड़ता था कि भाई कहीं मोट के ऊपर पैर नहीं रखते। देखो काचर तो इन्हें भी खूब है, ये देखो बोरिया जैसे दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 सीताफल है। देखो शाम हो रही है और अब हम लोग जो घर पहुंचने वाले हैं। देखो मम्मी ने मेरे लिए इतनी बड़ी माला बनाई है भाई। ये माला नहीं है भाई साहब, ये सब्जी है काचरे की, और मम्मी ने क्रिएटिविटी करके इसमें धागा लगा दिया इसलिए होगी। दो सब्जी का सुखा दे मम्मी, बहुत खेत में भी है, जोरदार सुखया जोरदार सुखा छोले जोरदार बनेगी। अब और के मिया में लिया से नहीं छोल गए तेरी माला बना सुखा दिया, ए तो क्या लिया वार तो बाद में सुखाया नहीं, ते ले को नहीं लिया वार घरे भी पड़े। तो मम्मी के लिए हम एक सरप्राइज लेके आए, दिखाओ मम्मी। देखो भाई मम्मी के लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेके आए ये, और मम्मी ने सीताफल आज तक कोई चखा ही है, खाया नहीं है। कठी कौन सा के शुरू शुरू में कोई भी नयो आदमी है बिना जी भी लगे। लेकिन तो इतना खास ही तो जगह वो बहुत स्वादिष्ट है, पर बीजों से भरा हुआ है। रामफल के लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा, रामफल मनाली के आसपास है, रामफल हाँ बहुत मीठा मीठा है, इतना सीताफल है रामफल भी तो सही है, सीताफल रामफल
इस सीजन में मतीरा और काकड़िया खाने में रह गए और सिंगोड़ा मार्केट में रह गए, हमारे यहाँ आए नहीं। अरे नहीं अभी टाइम है इनका। शाबाश, खिचड़ी खा रही है। खिचड़ी खा रही है, ये खिचड़ी खा रही है और कुर्सी पर बैठ के खिचड़ी खा रही है। हाँ बैठ। और देखो कभी कभी तो ऐसे होता है कि खिचड़ी भी बन जाती है और कातरे की सब्जी भी बन जाती है, समझ में नहीं आता क्या खाऊं। हैं बन गई मारिया भाई, रात ना उठ के और खानी पड़ी। थोड़ी खा दे, मिर्च तो कौन नहीं चाहता। ये तो है गाल दे।